रे खड़ा हुई है ओ हरामखोर। अरे माँ क्यों परेशान करने लग रही है, सोन देना मुझे। रे माँ ना देख तेरा बाप खड़ा। तो फिर मेरे पीछे क्यों है पड़ा? के करा फिर का बोल। अरे पिताजी मैं नू बूझ रहा हूँ, तुम सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? अरे वहां से आ रहा हूँ जहाँ तू ना जाता। पिताजी मैं जाने की नहीं बूझ रहा, मैं आने की बूझ रहा हूँ। बताऊँ के तुझे अभी कहाँ से आ रहा हूँ? नहीं बताने की के जरूरत है, तुम किसी काम से ही गए होगे, फालतू थोड़ी घूम रहे होगे तुम। अरे तेरी वकालत खत्म होगी हो तो इन खड़ा होगा ढोरों को नार कर दे। इन ढोरों ने और मेरी जिंदगी खराब कर रखी है, इन भैंसों ने और इस बुड्ढे ने जिंदगी खराब कर रखी है मेरी। किसी दिन दिमाग खराब हो गया ना, बेकाऊंगा जाके दोनों को मेले में। ऐसे क्या देख रही है, इस घर में मेरे से ज्यादा इज्जत तेरी है। कम से कम सुबह उठ के तुझे खाने की तो बूझते हैं, मेरे से तो वो भी नहीं बूझते। अरे इस गाय के कान में के बड़बड़ा रहा तू? अरे राग नहीं सुना रहा हूँ इन्हें, तुम सुनोगे? अच्छा आऊं के उठ के बनाऊं तुझे अभी राजवाला। और सुन यार वार करके खेतों पे चला जाइए। अरे कोई और काम बच रहा हो तो वो भी बता दो, कल तो दिन निकलेगा नहीं। अरे थक गया हो तो आके तेरे पांव दबाऊं के? मुझे नहीं दबाने पैर, देख रही है एक काम खत्म नहीं हुआ, दूसरा काम बता दिया बुड्ढे ने। तू चुपचाप खा ले, मैं जा रहा हूँ खेत पे, शाम तक नहीं लौटूंगा मैं। तेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब। अरे मुकेश यहाँ कैसे बैठा है तू? अरे इंतजार कर रहा मैं। इंतजार कर रहा है? किसका इंतजार कर रहा है, कोई लड़की है क्या? भूतनी का? बस साढ़े भूतनी के चक्कर में पड़ गया है क्या तू? अरे भूतनी के लड़की निकालना, मैं फिर इंतजार कर रहा। मेरा इंतजार कर रहा था? मेरा इंतजार क्यों कर रहा था? बीबी के बारे में बात करनी है? अरे नहीं यार। तो फिर मेरा इंतजार क्यों कर रहा था तू? पीनी मुझे? तो फिर पी ले ना, मेरा इंतजार क्यों कर रहा था फिर? अरे अरे बीड़ी नाम मेरे पे, तू पिला दे कर दी। मैं खुद तेरे पास आया हूँ पीने, तू उल्टा मेरे से ही मांग रहा है। फिल्म देखनी है? अगर फिल्म देखने जाएगा ना तो दीपक कुमार की जाइए, उसकी नई फिल्म धाक आ रही है। हे भगवान मैं कह रहा कैसे के सुने? अरे मेरा मतलब फिर के करे? अरे मेरे से क्या बूझ रहा है, तू बता ना। लोन ले लूं, साढ़े तेरे एक बीड़ी के बंडल के चक्कर में लोन ले लूं, अगर मेरे बाप को पता चल गई ना तो मेरी खाल तार देगा वो। अरे मैं बोल रहा हूँ लाल की दुकान पे चलेंगे, खेप तो बात बनी जा। उसके पहले ही 100 रुपए उधार हो रहे हैं, वो नहीं देगा बीड़ी उधार। अरे एक बार चल चल के तो देख, खेप तो बात बनी जा। चल फिर चल। अरे ये तो सारा गांव ही लेमाड़ हो गया, और उधार लेके और देने का काम ही नहीं। आयु देखिए और बिरजू, और 15 दिन पहले पैसे लेके गया था और आज डोलते ही ना दिए। अरे लाला जी राम राम। राम राम भाई राम राम। अड़तम बुक कराए? अरे हम दोनों तो एक बीड़ी का बंडल लेने आए थे लाला जी। तुम्हें यहाँ दुकान दिख रही? दुकान है यहाँ, तो मेरा घर है लाला जी। पहले तो हम थारी दुकान पे गए थे, पर दुकान तो तुमने बंद कर रखी आज। अरे मेरी दुकान भाई, अरे मैं कल खोलूंगा, अरे कल बंद करूंगा, अरे तो तुम्हें क्या लेना। अरे लाला जी वो तो ठीक है, पर एक बीड़ी का बंडल तो दे दे।
अरे पहले पिछले पैसे दो, फेर दूंगा बीड़ी का बंडल। अरे लाला वो भी कर देंगे, तू दे तो सही पहले। बिल्कुल ना दूं, पहले पिछले 100 रुपए दो मेरे। लाला जी पे 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 तोड़ेगा? अरे तेरी इतनी हिम्मत होगी? लाला जी मैंनू कह रहा था सारे पैसे भी दे देंगे। पिताजी ला बेटे। लाला जी यहाँ कौन है? कौन है? मेरी बेटी है, और कौन होती? थारी बेटी है? ये कहाँ से आई है? कहाँ से आई है मतलब? अरे पैदा करी हमने। लगता तो नहीं है। के नहीं लगता? मेरा मतलब है ये आपकी बेटी नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? वो तुम दोनों की शक्ल नहीं मिल रही है ना, इसलिए पूछा मैंने। हम बाप बेटी की शक्ल मिले या ना मिले, तू कौन है जो इतनी इंक्वायरी कर रहा है? मैं कौन हूँ? मैं आपके जान पहचान वाला। मैं तो तुझे नहीं जानती, कौन है तू? नहीं जानती? कोई बात नहीं, तो जान पहचान कर लेते हैं। वैसे थारा नाम के है? नाम जान के क्या करेगा तू? कुछ नहीं करूँगा, बस ऐसे ही पूछ लिया। गांव में कौन कौन रहता है पता रहना चाहिए ना। क्यों, तू गांव का चौकीदार है क्या? अरे चौकीदार समझ के ही नाम बता दो। बिजली। बिजली बहुत प्यारा नाम है, जब ही लग रहे खड़े खड़े झटके। बिजली तू अंदर जा। अरे इधर के देख रहा, अरे मेरी तरफ को देख, अरे नाते दीदी लिकट के गिर पड़ेंगे। लाला जी एक बात बोलूं तो मैं, थारा नाम लाला की जगह ना ट्रांसफार्म होना चाहिए था, ऐसी बिजली तमी पैदा कर सकते हो बस। मेरे सुसड़ो रुक जाओ, मैं बनाऊंगा थारा पावर हाउस। यार मुकेश लाला ने तो बीड़ी दी नहीं, अब क्या करें? यार अब तो अपने घर में ही चोरी करनी पड़ेगी। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है, चल देखते हैं घर का माहौल कैसा है। चल यार। हाँ चलो आओ। यार मुकेश यू साड़ा लाला बहुत आराम हो रहा है, इसकी खाल तारनी पड़ेगी। पूरा आराम है बेटे। राजू तेरा बाप तो सो रहा, कर दे काम तू। अगर गलती से भी बुड्ढा उठ गया ना तो मुझे बहुत मारेगा। कुछ नहीं होने का यार, तू जा जा कर दे काम को। बेटे राजू हो जा शुरू। कहाँ छुपा के रख रखी है बुड्ढे ने बीड़ी? बीड़ी तो मैं आज चुरा के ही रहूंगा। ओ बेटे ये री। उठ गया बुड्ढा। उठो रे। यहां क्या कर रहा तू? मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो लेटा हूं। रो तो मुझे भी दिख रहा, धरती में की लौट रहा। धरती? पिताजी मैं तो खाट पे लौटा था, मुझे लगता है मेरे नीचे से कोई खाट चुरा ले गया। अच्छा इतना होशियार तो है नहीं जितना बनके दिखा रहा तू। अरे मैं कहाँ होशियार बन रहा हूँ। अरे तू तो साफ साफ बता के ढूंढ रहा था तू। मैं के ढूंढ रहा था? हाँ पिताजी वो मेरे 5 रुपए खो गए हैं, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ। अच्छा 5 रुपए ढूंढ रहा है, 5 रुपए वाला बंडल ढूंढ रहा तू? अरे मैं क्यों ढूंढूंगा बंडल। अच्छा अभी बताऊं तो ले तुझे। भाग ले बेटे राजू, बुड्ढा हो लिया पागल। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो,
क्या खूब लगती हो, सुंदर दिखती हो। अरे सेवाराम जी, आज सारा प्यार साइकिल पे लुटा दोगे, थोड़ा बहुत मेरे लिए ही बचाओगे। गंगा देवी जी, ये साइकिल नहीं, मेरी जान है जान, और इसका नाम बसंती है। इसीलिए इतनी गंदी है। हैं? क्या बोला गंगा देवी जी आपने मेरी बसंती के बारे में? ओ बसंती के वीरू, चाय पीनी है या वापस ले जाऊं? गंगा देवी जी, अगर मुझे पीनी ना होती तो मैं चाय बनवाता क्यों? इसका मतलब चाय पीनी है? नहीं, देखनी है। अच्छा सेवराम जी, देखिए एक कप है, इसके अंदर जो है ना, इसे चाय कहते हैं। बस देख ली चाय, ले जाऊं इसे वापस? गंगा देवी, मैंने चाय पीने के लिए बनवाई है, वापस ले जाने के लिए नहीं। अच्छा, मुझे लगा कि देखने के लिए बनवाई है। गंगा देवी, तू बड़ी कब होगी? बड़ी तो मैं 25 साल पहले ही हो गई थी, तभी तो मेरे पिताजी ने आपके घर भेज दिया था मुझे। गंगा देवी, तेरे पिताजी ने सिर्फ मुझे एक ही चीज काम की दी है, ये बसंती, बस यही एक काम की है, बाकी तो सब कबाड़ दे दिया मेरे ससुरे ने मुझे। अच्छा, तो फिर एक काम करो, ये चाय भी ना आज तक बसंती से बना ले। पर गंगा देवी, चाय तो तू बना लाई है। सेवाराम जी, इस चाय की चिंता मत कीजिए, ये तो मैं पीऊंगी। गई मेरी चाय। हे भगवान, 130 करोड़ में से यू एक देनी थी मुझे। लो जी। क्या लो जी? चाय तो सारी तू पीगी, अब क्या लूं मैं? अरे मैं ये बोल रही हूँ कि आपकी चाय की कहानी तो खत्म हो गई, आप अपने बसंती के साथ लगे रहो, मैं तो जा रही हूँ फिल्म देखने। अरे लो, इसे भी अब भी जाना था। राजू, ओ राजू। हाँ माँ, के बात होगी? बेटा राजू, बिजली चली गई है। बिजली चली गई? कहाँ चली गई? बेटा राजू, बिजली मुझे बता के थोड़ा गई है कि कहाँ जा रही है। अरे माँ, तो तू पूछ लेती ना। बेटा राजू, ये कैसी बात कर रहा है तू? अच्छा माँ, एक बात बता, बिजली हमारे घर कब आई थी? बेटा राजू, बिजली तो सुबह से आई हुई थी हमारे घर। सुबह से आई थी? और तू मुझे अब बता रही है? बेटा राजू, ये भी बताने की बात है। अरे माँ, यही तो बात बताने की थी जो तूने मुझे बताई नहीं। बेटा राजू, तू एक काम कर, तू लाला के घर चला जा। लाला के घर चला जाऊं? पर क्यों? अरे बिजली कब तक हमारे घर आएगी? अरे माँ, ये काम तो तुझे करना चाहिए, तू और पिताजी जाओ ना बात करने के लिए। तू जल्दी से पूछ के आ जा। ठीक है माँ, अभी जा रहा हूँ मैं। इश्क तेरे का लाड़ा हो गया, तेरे पाछे मैं माड़ा हो गया, तेरे पाछे मैं माड़ा हो गया, तेरे पाछे मैं माड़ा हो गया। इश्क तेरे का लाड़ा हो गया, तेरे पाछे मैं माड़ा हो गया, कहने लगे घर के न बता क्यों मरदा जा।